हे एवरीवन, मैं संतोषी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दून बिजनेस स्कूल के बारे में एंड इसका पूरा रिव्यू करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर के बारे में जानेंगे, इसके प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, ये कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर करता है इसके बारे में जानेंगे, कितने कितने कोर्सेज के लिए क्या क्या कट ऑफ चाहिए होती है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले जान लेते हैं इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, 2007 का जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट है। वहीं अगर बात करें कि ये किस किस से जो है अप्रूव्ड है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, AICTE हो गया, UGC हो गया, AIU से ये जो है अप्रूव्ड है। वहीं अगर बात की जाए कि PGDM के फील्ड में जो है ये कौन कौन से प्रोग्राम्स को जो है ऑफर करता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, फाइनेंस हो गया एंड मार्केटिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, मीडिया एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारे जो है PGDM के फील्ड में तो ये कोर्सेज को ऑफर करता है। वहीं जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि यूनिवर्सिटीज वगैरह को वो रिसर्च करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है सबसे ज्यादा बेस्ट है, जिसमें जो वो है प्रेफर करें, एडमिशन लेना चाहें। एंड अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि हम फीस इतनी ज्यादा जो है अगर पे कर देंगे तो, और उसी स्कूल में अगर या उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेजेस वगैरह में अगर हमने एडमिशन ले लिया और फिर मेंशन कुछ और किया होता है, फीस वगैरह कुछ और लेते हैं, तो ये सारे जो दिक्कतें उनको करनी पड़ती है। तो इस सारी दिक्कतों से वो बचने के लिए जो है सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह को पहले ही रिसर्च कर लेते हैं कि उसकी प्लेसमेंट वगैरह कितनी है, क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या कोर्सेज को वो ऑफर करता है, तो इन सब के बारे में जो है वो प्रॉपर जान लेते हैं। मैं भी यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस या किसी भी स्कूल में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उस स्कूल या यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस वगैरह में पहले विजिट कर लें, वहां के स्टूडेंट्स वगैरह से जो है प्रॉपर जान लें क्या क्या फैसिलिटीज, प्लेसमेंट को लेकर, फीस को लेकर, कोर्सेज को लेकर, इन सब के बारे में पहले जान लीजिए, उसके बाद ही जो है एडमिशन लेना जो है ज्यादा प्रेफर कीजिए, अदरवाइज एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा होता है मेंशन कुछ और किया जाता है, फीस वगैरह कुछ और ली जाती है, प्लेसमेंट कुछ और देते हैं, कोर्सेज कुछ और देते हैं, तो इस वजह से जो है आप लोग पहले विजिट करिए, स्टूडेंट्स वगैरह से प्रॉपर जान लीजिए, देन उसके बाद एडमिशन लेना जो है प्रेफर कीजिए। वही इंडस्ट्रियल विजिट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, SCL प्लांट जो है रुद्रपुर हो गया, एंड पालेजी बिस्किट प्लांट रुद्रपुर हो गया, वहीं बिस्लेरी प्लांट रुद्रपुर हो गया। वहीं अगर बात की जाए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इस स्कूल में जो है एडमिशन लेने के लिए कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को चाहिए ताकि जो है आप इस स्कूल में जो है एडमिशन ले सके बिना किसी प्रॉब्लम्स को फेस किए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रेजुएशन में आप लोगों के 50% मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप लोग पूरी तरह से एलिजिबल हैं इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। वहीं अगर आप MBA और PGDM के कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए पहले आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा, एंड देन जो है फिर इंटरव्यू राउंड होगा, एंड देन फिर उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन राउंड होगा, सेलेक्ट किया जाएगा अगर आप MBA एंड PGDM कोर्स को लेना चाहते हैं इस स्कूल में, क्योंकि सब कुछ देखा जाता है आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, पर्सनल इंटरव्यूज लिए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, उसके बाद फिर जो आप लोगों का सिलेक्शन राउंड होता है उसमें आप लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, ऐसे ही नहीं किया जाता, ये इसका बहुत बड़ा प्रोसेस होता है MBA एंड PGDM कोर्स को अगर आप इस स्कूल से मतलब करना चाहते हैं तो। वही बात की जाए कि यहाँ पे जो है कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम ये एक्सेप्ट करता है, तो CAT हो गया, MAT हो गया, ZAT हो गया, CMAT हो गया, GMAT हो गया, ये सारे जो है एंट्रेंस एग्जाम्स को ये एक्सेप्ट करता है, स्टूडेंट्स इसमें अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो ही वो जो है प्रॉपर तरीके से इस स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे दून बिजनेस स्कूल में, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसके लिए जो है आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि मैंने बताया स्कोर वगैरह जो है काफी ज्यादा मैटर करता है। एंड देन अगर बात की जाए कि इसमें कितने कितने परसेंट, जैसे ऑनलाइन इंटरव्यू हो गया, आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन हो गया, वहीं सिलेक्शन राउंड हो गया, तो इसमें कितने कितने परसेंट आप लोगों को जो है चाहिए होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए 30% है, वहीं आप लोगों का जो है 12th एंड ग्रेजुएशन में जो है 30% है। वहीं अगर बात की जाए फीस स्ट्रक्चर की, तो MBA की जो फीस है वो 6,16,000 तक आप लोगों को पे करनी होगी इस कोर्स के लिए। वहीं अगर बात की जाए कि MBA IB में आप लोगों की कितनी फीस है, तो 5,98,000 जो है आप लोगों को पे करनी होगी। वहीं अगर बात की जाए PGDM में आप लोगों को कितनी फीस जो है वो पे करनी होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं PGDM में आप लोगों को 7,75,000 जो है
पे करनी होगी इस कोर्स के लिए, वही पीजीडीएम आईबी के लिए आप लोगों को कितनी फीस पे करनी होगी, तो पीजीडीएम आईबी के लिए आप लोगों को 8,97,000 तक जो है आप लोगों को फीस पे करनी होगी इन कोर्सेज के लिए। सो अगर आप लोगों को फीस से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है कि लाइक फीस अप डाउन थोड़ी सी हो रही है, तो वो आप लोग जो है दून बिजनेस स्कूल जो कि देहरादून में लोकेटेड है, इसमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इजिली देख सकते हैं। वहां पर जो है मेंशन किया होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि मेंशन थोड़ा सा कुछ और कर दिया होता है लेकिन वहां फीस जो आप जाएंगे तो एग्जैक्ट फीस कुछ और होती है। तो ऐसा नहीं है, जो मैंने आपको बताया अराउंड इतनी ही फीस आप लोगों की लगेगी, थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है वो आप लोग देख लीजिएगा, बट जितनी मैंने बताई उतनी ही फीस आप लोगों की वहां पर लगेगी। एंड देन अगर इसकी फैसिलिटीज की बात की जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, फैकल्टीज वगैरह बहुत ज्यादा ही अच्छी हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स वगैरह है बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पे एडमिशन लेना, और यहाँ हॉस्टल वगैरह ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये देहरादून में देन लोकेटेड तो है ही, लेकिन उन्हें लगता है हमें कैंपस लाइफ जो है काफी ज्यादा इंजॉय करनी है, तो इस वजह से जो है हॉस्टल वगैरह वो लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं अपनी स्कूल लाइफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज लाइफ वगैरह को इंजॉय करने के लिए। बट यहाँ की फैसिलिटीज वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लैब्स को ले लीजिए, लैब फैसिलिटीज हो गई, ऑडिटोरियम फैसिलिटीज हो गई, मेडिकल स्टेशनरी फैसिलिटीज हो गई, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो गई, ये सारी फैसिलिटीज आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी इस कॉलेज के अंदर देखा जाए तो। सो मैं आप लोगों को बता दूं, स्टूडेंट्स वगैरह का कहना ये होता है कि जो पीजीडीएम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको महीने में इंडस्ट्री वगैरह जो है विजिट करवाते रहते हैं, एंड देन जो पीजीडीएम कोर्सेज को कर रहे होते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट ये भी होता है कि उन्हें एजुकेशन से रिलेटेड जो है अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है, तो प्लस पॉइंट ये होता है उनके लिए। एमबीए वालों के लिए उतना ज्यादा नहीं होता है, उनको इंडस्ट्री वगैरह जो है वो भी विजिट नहीं करवाया जाता है, लेकिन पीजीडीएम वालों के लिए काफी ज्यादा प्लस पॉइंट होता है इस कॉलेज के अंदर कि उन्हें इंडस्ट्री वगैरह जो है विजिट करवाते हैं, एंड देन उनको एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह भी जो है मिलते रहते हैं। वहीं यहाँ पर जो है इंटर्नशिप का ड्यूरेशन रहता है 2 to 3 months तक रहता है, कुछ पेड वाले रहते हैं इंटर्नशिप, कुछ अनपेड रहते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है कि कॉलेज के ऊपर वो क्या मतलब पेड वाले हैं या अनपेड वाले हैं, वो स्टूडेंट्स भी के ऊपर भी डिपेंड करता है। वहीं स्टडीज वगैरह हो गई, प्रेजेंटेशन वगैरह हो गई, मतलब काफी सारी चीजें आपको इस कॉलेज के अंदर देखने के लिए बहुत ही इजिली मिल जाएगी। वहीं देखा जाए तो मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कंपैरेटिव एचआर के, एंड देखा जाए तो यहाँ 250 कंपनीज जो है वो विजिट करती हैं, 250 से भी ज्यादा कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है, तो स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि इतनी सारी कंपनीज जो है वो विजिट करती हैं, तो किसी ना किसी कंपनी का स्टूडेंट्स जो है वो इंटरव्यू क्रैक कर उनके पास काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा अपने फ्यूचर को ब्राइट करने का, तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी उनके पास ये भी रहती है। लाइक बहुत सारी कंपनीज हो गई, विप्रो हो गया, एयरटेल हो गया, आईबीएम हो गया, जोमैटो हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एंड देन इसी तरह की और भी कंपनीज जो है विजिट करती हैं यहाँ के कॉलेजेस में। एंड देखा जाए तो अब प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है इस कॉलेज की जाती है वो 16.4 लाख पर एनम तक जाती है, वहीं अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात की जाए तो एवरेज प्लेसमेंट जो है इसका 6.6 लाख पर एनम तक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। सो ऑल ओवर देखा जाए तो ये स्कूल जो है काफी ज्यादा अच्छा स्कूल है, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं इस में एडमिशन लेना, बट वही एलिजिबिलिटी वगैरह थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, एडमिशन वगैरह के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया, एंड देन अगर रिसर्च वगैरह आप करते हैं किसी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के बारे में तो प्रॉपर पहले उस चीज को जान लीजिए, एंड विजिट वगैरह करके स्टूडेंट्स वगैरह से प्रॉपर उस चीज को पूछ लीजिए क्या प्लेसमेंट है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या कोर्सेज क्या क्या ऑफर करवाते हैं ये, यहाँ की फैकल्टी क्या क्या है, तो वो सारी चीजें जानने के बाद ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस या स्कूल्स वगैरह में जो है एडमिशन लेना ज्यादा से ज्यादा प्रेफर कीजिए। अदरवाइज अगर आप लोगों को नहीं पता है इन सारी चीजों के बारे में तो पहले रिसर्च कीजिए, देन उसके बाद ही एडमिशन वगैरह को लीजिए। तो इससे हटके मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी, अगर आप किसी भी कोर्सेज या कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे दिया गया है, देन फिल आउट दिस फॉर्म, एंड फ्री एनालिसिस एंड एक्सपर्ट काउंसलर भी हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इजिली क्लियर कर दिए जाएंगे, बट डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल आउट करना जरूरी है। सो गाइज अगर आप चाहते हैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहे तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।